विरोधी दल के लोग हमारे जो शिल्प कास्ट के लोग हैं उनको वहाँ से डिपजेस्ट करना चाह रहे हैं वही कहानी नवादा में हुई है और फॉलो अप एक्शन में 12 या 13 लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं इसमें और आर अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर यादव जाति के लोग को हुआ है तो इसका मतलब यादव जाति का इन्वॉल्वमेंट था तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई गुमराह है और देख घृणित कर रहा है समाज का उद्देश्य इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ है अगर माझी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब संतुलन खो बैठे माझी जी आप केंद्रीय मंत्री हैं संविधान की शपथ ली है आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम माजी है हमारे साथ सर नवादा में जो घटना घटी है उसका आपने अपडेट लिया होगा देखिए नवादा जो हमारे बिहार का है अब बिहार में एक जनरल बात अभी हो गई है कि कुछ विरोधी दल के लोग हैं वो आज ज़मीन के प्रति इतना आसक्त हो गए हैं कि चाहे पर्चा के ज़मीन मिली हो तो या बिहार के ज़मीन पर गरीब तबके के लोग बस रहे हों आज से नहीं पच्चीस तीस वर्षों से वो सबको लिटिगेटेड करके या ज़बरदस्ती उसको हटाने का प्रयास क्रम में बिहार में सब जगह आ, विरोधी दल के लोग हमारे जो शिल्कास्ट के लोग हैं उनको वहाँ से डिपजेस्ट करना चाह रहे हैं वही कहानी नवादा में हुई है नवादा में एक ज़मीन है जिस ज़मीन पर मुशहर जाति के लोग रविदास जाति के लोग और कुछ पासवान जाति के लोग आज नहीं बीस पच्चीस वर्ष से रह रहे हैं वो जमीन अवेलेबल ज़मीन है और उस जमीन पर कुछ विरोधी दल के लोग की नज़र गड़ी हुई है कि इनको जल्दी से हटा दो यहाँ से तब उसको अपना बेचेंगे और काफ़ी पैसा कमाएंगे और इसी के संदर्भ में जब कुछ बीच में हल्ला हंगामा हुआ तो 144 भी चल रहा है शिडुल कास्ट के लोग गए हुए हैं ये न्यायालय में और चल रहा है अब ऐसा मान करके हमको लगता है हम प्रिज्यूम करते हैं कि 144 का जो वारा न्यारा होता है या तो 145 में बदल जाता है और नहीं तो अगर भर्डिक लोग देते हैं तो जिसका पजेशन है उसके पक्ष में बात होती है तो ये चीज़ विरोधी दल के लोगों को समझ में आया कि इन लोग कब्जा में रहेगा तब तो फिर हमारी जमीन नहीं होगी 144 का या ये होगा इसलिए इन लोगों को हटाओ और इसीलिए एक आध कास्ट के लोगों को मिला करके और पीछे से वो लोग रह करके एक घटना का अंजाम दिए हैं अभी अभी यह बात हमारे हमारी वहाँ से एस से बात हुई है एस ने कहा है कि पंद्रह सोलह घर जले हैं किसी तरह के मरने की खबर नहीं है कुछ लोग जले हैं वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है और फॉलो अप एक्शन में बारह या तेरह लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं तो उन लोगों को पकड़ा गया है और करीब उसमें पचासों ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने की आवश्यकता है उस पर तेज़ी से कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं और अभी हमने निर्देश दिया है सीनियर एस को और कलेक्टर से अभी बात नहीं हुई उनसे भी कहेंगे कि चूँकि ये डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट एटोसीडी तो एक्ट के तहत ये बात आती है इसलिए राहत के लिए जो ए सी एक्ट एस के तहत मुआवजा होता है देन एंड देर लोगों को दे और उन लोगों को इंदिरा आवास बना करके सुनिश्चित करे कि ठीक ढंग से वहाँ पर रहे तो आप ये नया अपडेट दे रहे हैं दरअसल पहले ये माना जा रहा था कि पासवान समुदाय के लोगों ने माझी समुदाय पर हमला किया है नहीं इसमें और यहाँ एक आदमी को सामने रखा है विरोधी दल के लोग एक आदमी को सामने रखा है कि जो जिसमें पासवान जाति के लोग हैं तो एक आध आद दो आदमी कोनाइब्ड हो गए हैं उन लोगों से टेम्पटेड हो गए हैं तो समूचे पासवान जाति के बारे में हम नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी हमें बताया गया इसमें और अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर जादव जाति के लोग को हुआ है तो इसका मतलब ज्यादा जाति का इन्वॉल्वमेंट था तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई तो इसलिए हम पासवान को इसमें नहीं कर सकेंगे हाँ एक दो आदमी उधर से कनेक्ट हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि रविदास लोग भी हो जाते हैं कभी कल होता है मुजहर लोग भी हो जाते हैं तो ये लोग थोड़ा सा गरीब जाती हैं किसी न किसी रूप में टेम्पटेड हो जाते हैं तो अपने लोगों के हित में भी वो काम कर देते हैं तो यही घाट करना वहाँ पर हुई है और वो जमीन है हम यही जाएंगे तो करेंगे कि वो ज़मीन कैसी है उस जमीन को देन एंड देर उन लोगों के नाम से पर्चा बना दें और पर्चा बनाने के बाद उनको परिंदिरा आवास या जो बनना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान बना दें और एस सी एस एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलनी है चार लाख और फिर सिविल कास्ट का भी मामला बनता है और चार लाख आठ आठ -हाँ लाख रुपया लोगों को मुआवजा दे ये हम करवाएंगे बिल्कुल गुबरा है और क्षणित कर रहा है समाज तो को देश, देश जांच व्यवस्था पर वो हमला हमेशा करते रहते हैं इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ है और उचित कार्रवाई में रहे। अगर माझी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब संतुलन खो बैठे माझी जी केंद्रीय मंत्री हैं संविधान की शपथ ली है आपने संविधान की शपथ लेकर के इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां अगर आप कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा क्या साहब यही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास या ये काला धब्बा है उस स्लोगन पे तय करना है पीएम को